सबसे पहले आई थिंक व्हेन एंजल सेज उसका फोरहेड में दर्द हो रहा है, बट बिफोर शी वुड कंप्लीट स्वाति ने कुछ तो बोला तो वो फिर डेविड हो गई. हमने भी देखा है बहुत बार जब हमारे इन्वेस्टिगेशन में देयर इज एन एंटिटी, देयर इज एन एक्सटर्नल एंटिटी प्रेजेंट, इट प्लेज विद आवर बॉडी. राइट. एंड हमारे जो भी वाइटल्स हैं वो होते हैं ऊपर नीचे. आई फेल्ट उनको काफी उनका अटेंशन ग्रैब कर रहा था वाज देयर ओन हार्ट बीट. Yes, yes. मतलब जैसे ही उनका वहाँ बीप हो रहा था एंड दे वर लाइक कि शिट मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है. Another thing that is important to mention is what Karthik did. That was also weird for us to see के why would you do anything like that ऐसे जगह पे. बैठ गया था. हाँ हाँ हाँ. Like it was that not was necessary. Very risky also. Risky and not necessary. I understand कि इनका मतलब पहला investigation right, था right, कभी right. किया है नहीं है. Right. But then entities वैसे ही तो manipulate करती हैं आपको. What actually caught my attention was कि Swati उसने बोला था that she doesn't believe. लेकिन the way she opened up and उसको जिस तरीके से चीजें feel हुई was the first thing that caught my attention. जहाँ पर वो डर गई थी, मतलब उसका डर उसके चेहरे पे दिख रहा था. Where she said कि I see a hand. Probably it manifested, you never know. Yeah. मतलब शायद हम अगर होते we would have dug more into it. But we sorry, I mean they did their best. अगर शैडो ही था तो बाकी लोग भी बोले होते कि अरे शैडो, लेकिन बाकी लोगों को वो नहीं दिख रहा था जो साथी को दिख रहा था. हाँ. पता नहीं क्या ग्रज था, but they're like तुम नहीं मानती है तो we are just going to show you. So I think yeah, overall it was one good investigation.